हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। दोस्तों बच्चों, अब जो हम चैप्टर करेंगे वो है क्लास 10 से इंग्लिश चैप्टर नंबर 4। तो लेसन का नाम है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, ये उस हिसाब से बनाया गया कि इसमें सारे के सारे मतलब चीज़ें कवर हो जाएं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएं, इससे पहले इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। लेट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ड्रॉ ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डैनबी और हाउ डिड द लेडी इन रेड टर्न आउट टू बी स्मार्टर एंड क्लेवरर देन हॉरेस डैनबी। और किस तरह से वो जो लेडी थी जो रेड ड्रेस में थी वो उससे स्मार्टर और क्लेवर निकली। तो ये हम चीज़ पढ़ेंगे, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हॉरेस डैनबी वास अनमैरिड क्लेवर एंड केयरफुल थीफ। हॉरेस डैनबी एक अनमैरिड था, चालाक और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, जो सावधानी से काम चोरी करता था वो इंसान था। वो मतलब सावधानी से काम करने वाला चोर था। ही वॉज अबाउट 50 years old, वो लगभग 50 साल का था। He committed only one thief every year, वो साल में एक ही चोरी करता था। He was fairly successful in his profession of lock making, वो ताले बनाने के बिजनेस में बहुत ही अच्छा था। He had a keen fondness of rare and expensive books, उसे बहुत ही ज़्यादा शौक था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने का, कीमती किताबें पढ़ने का उसे बहुत ज़्यादा शौक था। He started committing theft with a view to meeting his expense on books. उसने चोरी करना स्टार्ट किया मीटिंग है उसके बुक खरीदने के खर्चों को पूरा करने के लिए। He committed only one thief every year. उसने हर साल सिर्फ एक ही चोरी करी एक ही बार। Usually he made foolproof plan for the burglary. मतलब हर बार लगभग वो पूरा प्लान के साथ जाता था। However, this time he was destined to be in hot water, मतलब हर बार वो संभल के जाता था लेकिन इस बार क्या था उसे एक संकट में फंसना ही था। इन हॉट वाटर का मीन्स यही होता है, इन हॉट वाटर मतलब किसी दुविधा में उसे फंसना ही था। हॉरेस डैनबी वॉज गेटिंग रेडी टू ब्रेक ओपन द सेफ, वो बिल्कुल तैयार था सेफ लॉकर की चाबी खोलने के लिए। जस्ट देन द प्रेजेंस ऑफ द यंग लेडी हैड मेड हिम फील नर्वस, लेकिन एक लेडीज वहाँ पर यंग लेडी थी जो कि रेड ड्रेस में थी, उसने उसे नर्वस कर दिया। ही लॉस्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो अपना मतलब पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका फोकस लेडीज को देखकर हिल गया। ही मिस्टूक हर फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, उसने उसे गलती से घर की मालकिन समझा। She threatened him to call the police. उसने उसे धमकी दी पुलिस को बुलाने के लिए। He took off his gloves and offered her his cigarette lighter. उसने क्या करा, उसे दस्ताने ऑफर किए और अपना सिगरेट लाइटर भी उसे ऑफर दिया। She bade him to open the safe. उसने उसे उसने उस लेडीज ने उसे सेफ खोलने के लिए बोला। ही डिड नॉट पुट द ग्लव्स थिंकिंग ही वॉज ओपनिंग द सेफ फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, उसने क्या करा गेट का ताला खोला मतलब गेट को खोल दिया, उसने लॉकर को खोल दिया और क्योंकि उसने सोचा कि ये क्या घर की मकान मालिक है। एज ए रिजल्ट ही लेफ्ट हिज फिंगर प्रिंट ऑन द सेफ, और इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी उंगली के निशान सेफ लॉकर पर आ गए। एंड ऑल ओवर द रूम, और सब जगह पर उसके फिंगर टिप्स फिंगर के जो उंगलियों के निशान थे वो फैल गए। द यंग लेडी वेंट अवे विद द ज्वेल्स, और वो यंग लेडी ज्वेलरी को लेकर भाग गई। हैंस ही वॉज इजली फाउंड आउट अरेस्टेड फॉर द ज्वेल्स रॉबरी, और इसी तरह से वो आसानी से पकड़ा गया ज्वेलरी रॉबरी के चक्कर में, क्योंकि वो यंग लेडी जो थी वो खुद एक चोर थी और उसने सोचा कि ये क्या है ये लेडीज वहाँ की मकान मालकिन है, इसलिए क्या उसे डाउट हुआ और उसने अपने ग्लव्स उतार के उसके लिए लॉकर खोल दिया
जो कि बाद में उसे बहुत महंगा साबित हुआ। थस द लेडी इन रेड टर्न आउट टू बी स्मार्टर एंड क्लेवरर देन हॉरेस डैनबी। इस तरह से वो लाल ड्रेस में जो लेडीज थी वो उसे स्मार्टर एंड चालाक निकली, मतलब उसे तेज तरार निकली हॉरेस डैनबी से। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो और डिटेल में जानना है तो उसके लिए सबसे पहले आप चैप्टर पढ़िए, और चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को रहोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप किसी भावना में बह जाओ, अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन, जिससे कि आपको आगे अपडेशन मिलती रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में सारे के सारे नोट्स जो होंगे ऑनलाइन ही होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।